जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि जो कैफे वाले होते हैं ना, वो बर्थ सर्टिफिकेट जो बनाते हैं वो फेक कैसे बनाते हैं, तो उस चीज़ से आप लोगों को बच के रहना है। तो आज आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ किस तरीके से लोग फेक बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, कहीं पर भी आप चले जाइए और वो इसी तरीके से आप लोगों को फेक बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं और आप लोगों से पैसे लूट रहे हैं। और वो फेक बर्थ सर्टिफिकेट आप कहीं पर भी आके देते हैं, या तो वो आधार कार्ड में अपडेट हो जाएगा या जिसके भी थ्रू आप लोग अपडेट कराना चाह रहे हैं, तो यूटीआई वाले भी उसको चेक नहीं करते हैं। बट उसके बाद जब कहीं पे आप लोग पासपोर्ट ऑफिस में देंगे या कहीं पे भी देंगे, वहाँ पे वो चेक हो जाता है और जिसकी वजह से आप लोगों का जो फर्दर प्रोसेस जो काम होता है वो रुक जाता है। तो आज आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताऊँ किस तरह से बनाते हो, किस तरह से आप लोगों को चेक करना है कि ये फेक बर्थ सर्टिफिकेट है कि नहीं है। तो चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जब भी आप किसी कैफे वाले के जाते हैं कि सर हम लोगों को अपना बर्थ सर्टिफिकेट नया बनवाना है या करेक्शन कराना है या कोई पुराना वाला है उसको अपडेट कराना है, कोई डिटेल अपडेट कराना चाह रहे हैं, तो मल्टीपल तरीके से लोग काम करते हैं। तो जब भी आप कोई एक नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएंगे, उस केस में क्या होता है कि सपोज़ करो आप लोग के पास डॉक्यूमेंट नहीं है या आप लोग के पास एक पहले कोई बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है उसके बाद एक नया बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं, तो ये लोग क्या करेंगे कि आप किसी दूसरे का जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा उसके ऊपर डिटेल चेंज कर देते हैं। अब आप लोग वो इस तरीके से चेंज करते हैं कि आप लोग ऐसे आप सामने कोई भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके देखेंगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। साथ ही साथ वो जो स्कैनर वाले बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं उसको भी वो चेंज करते हैं। उसको कैसे चेंज करते हैं वो आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगा। तो उसमें आप लोग डिटेल चेंज करेंगे, आप लोगों को स्कैनर भी चेंज कर देते हैं, ठीक है, और वो आप लोगों को दे देते हैं। तो जब आप उसको स्कैन करोगे तो वो आप लोगों की पूरी डिटेल जो होती है वो एज इट इज़ दिखाएगा, आप लोग के बर्थ सर्टिफिकेट दिखाएगा, बट वो फेक होता है। ये हो गया पहले वाला। सेकेंड वाला होता है कि जो अगर आप लोग कोई भी इसमें चीज़ें अपडेट करा रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं, तो आप लोगों का पुराने वाला ही जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसको वो अपडेट नहीं कराएंगे, उसी में वो डिटेल चेंज कर देंगे, स्कैनर चेंज कर देंगे और वो आप लोगों को दे देंगे। अब ये लोग स्कैनर कैसे चेंज करते हैं वो आप लोगों को बताता हूँ, तो इस चीज़ से आप लोगों को बच के रहना है। मेन चीज़ मुद्दा क्या होता है स्कैनर का होता है, जब भी वो कोई अपडेट करके देंगे या चेंज करके देंगे, सबसे पहले इंसान का होता है स्कैनर का होता है कि मैं स्कैन करके देखता हूँ कि मेरी डिटेल जो है वो सारी आ रही है कि नहीं आ रही है। अब ये लोग क्या करते हैं ना, एक डोमेन परचेज कर लेते हैं इंटरनेट के ऊपर। डोमेन मतलब क्या होता है, एक वेबसाइट परचेज कर लेंगे, ठीक है, जिससे आप लोग कोई भी पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगे, यूटीआई में जाएंगे, तो वो आप लोगों को बोलते हैं एक सीआर सर्गी करके एक वेबसाइट है .gov.in, उस साइट के थ्रू आप लोग का बर्थ सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, फिर करेक्शन होना चाहिए या फिर जो भी आप डिटेल चेंज कर रहे हैं वो होनी चाहिए। अब ये लोग क्या करते हैं ना, एक डोमेन परचेज करते हैं जैसे csargi.gov.in है, तो वैसा ही करेंगे csargi.gov.in .in के बाद भी कुछ आगे इन्होंने अपना डोमेन चेंज करके आगे कुछ ले लेते हैं। तो जब भी आप स्कैन करोगे ना, जो ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट होगा वो csargi करके .gov.in पे खुलेगा और पूरा सर्टिफिकेट एक बार में खुल जाता है, ऊपर आप लोगों को वेबसाइट वगैरह सब कुछ दिखती है। अब इनका जो डोमेन होगा ना वो हमेशा देखना चेंज होगा, इस वाले डोमेन नेम में चेंज होता है। अभी करते कैसे हैं, उस डोमेन पे आप लोग इंटरनेट पे कहीं पे भी चले जाइए, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पे आप लोगों को ये स्कैनर बनाने की आप लोगों को प्रोविजन मिलता है, वो स्कैन बना लेते हैं। स्कैनर बनाने के लिए आप लोगों को वहाँ पे लोग बहुत सारी डिटेल आप लोगों की मांगी जाती है और जो बर्थ सर्टिफिकेट वो एडिट करके आप लोगों को देते हैं, वो बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड हो जाता है उस डोमेन के ऊपर, उस जगह के ऊपर उनको स्पेस मिली होती है तो वहाँ पे वो अपडेट हो जाता है। तो कुछ टाइम के लिए जब आप स्कैन करोगे ना, तो वो जो सर्टिफिकेट है वो उनकी वेबसाइट के थ्रू चला जाएगा, वो आप लोगों को ऑनलाइन डाउनलोड भी दिखाएंगे, बट 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद वो उस चीज़ को डिलीट कर देते हैं। जैसे ही वो डिलीट करेंगे ना, तब आप स्कैन करोगे वो कभी स्कैन ही नहीं होगा, मतलब उसके आगे पेज के आगे जाएगा ही नहीं, वो स्कैनर पर ही अटका रहेगा। तो बहुत सारे लोग आते हैं कि सर हम लोग का 1 महीने पहले स्कैन हो रहा था, उसके बाद स्कैनर बंद हो गया, अभी क्या है ये फेक है नहीं है। तो देखिए इस तरीके से अगर आप लोगों के साथ हो रहा है तो ये चीज़ फेक होती है, कभी भी खुद भी स्कैन करके देखेंगे ना तो वो चीज़ें आप लोगों को दिख जाएंगी। मतलब csargi.gov.in पे ना जाके वो कहीं की दूसरी वेबसाइट पर चला जाएगा, आप ऊपर डोमेन नेम देखेंगे गूगल क्रोम या कहीं पर भी, वो दिखा देगा आप लोगों को। तो ये आप लोगों को चेक करना, और इस तरीके से फेक बर्थ सर्टिफिकेट बहुत बनाए जा रहे हैं, मतलब मेरे को इतनी रिक्वेस्ट आती है ना कि हमारा फेक बर्थ सर्टिफिकेट उसको कैंसिल करवाना है, और इसको कैंसिल कराने के लिए ना फिर हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वैसे कि जब भी आप लोगों की ऐसी कोई चीज़ जाती है, अगर वो कहीं अपडेट हो चुकी है, अगर आप लोगों ने फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के कहीं आधार कार्ड अपडेट करा लिया है या पासपोर्ट में दे दिया है, अब उसको कैंसिल कराने के लिए ना बहुत मतलब गवर्नमेंट के पास जाना, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो वो चीज़ है, जो वो डिटेल है, जो वो उसका बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर है, वो किसी दूसरे के नाम पर रजिस्टर्ड है, तो उसको हटाने के लिए ना उनको फिर रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, फॉर्म भरना पड़ता है, क्योंकि उनकी डिटेल उनके पास तो रिकॉर्ड होता नहीं है, तो वो फिर दूसरे बच्चे का चेक करते हैं, फिर आप लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट देखेंगे कि हाँ यार तो इसने फेक बना रखा है और ये ऑलरेडी आधार कार्ड में भी अपडेट हो रखा है। अगर कहीं पर अपडेट नहीं हुआ है तो आप उसको फाड़ के फेंक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और कहीं अपडेट हो गया है तो डिपार्टमेंट को लिख के देना पड़ेगा ये चीज़ कि ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है किसी दूसरे के नाम पर अलॉट था और मतलब जो भी आप लोगों ने फेक बना दिया है, तो वो डिपार्टमेंट लिख के देगा, वो फिर आप आधार कार्ड के ऑफिस में दीजिए या फिर पासपोर्ट ऑफिस में दीजिए,
वहाँ जाके वो फिर वो चेंज होता है, आपका जो नया बर्थ सर्टिफिकेट होगा उसके थ्रू से वो डिटेल चेंज हो जाएगी। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करना।